कोई भी हाल में प्रदेश की सरकार ने भले निर्दलीय पर्ची लाके जांच चुनाव करवाना पड़े, पर प्रदेश की सरकार ने एक दिन एडो आई भी दिन प्रदेश की सरकार ने चुनाव करवाना पड़ी। छात्र संघ चुनाव के नाम पर फीस प्रत्येक स्टूडेंट के विश्वविद्यालय प्रशासन ली है। छात्र संघ चुनाव का मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, शुरू खिलाफ हूं। मैं कहते आप मांग भी कौन करी छात्र संघ चुनाव हो, हमारा हाथ तोड़ दो, हमारा पैर तोड़ दो। प्रदेश की सरकार प्रदेश के युवाओं को हौसलों नहीं तोड़ सके। मैं कोई विश्वविद्यालय में बिना छात्र नेता का कोई धनी धोरी को नहीं, कोई आओ कोई ठोक दो। गेट के अंदर हम सब छात्रों को घसीट के मारा गया, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारे खून निकल गए। मैं माँ का कपड़ा दे दिया, खून दे दियो, और यूं ज्यादा थे कहीं कर सको, मेरे हाथ तोड़ दियो। मेरे कई साथियों के लट मारा, कईयों का सिर फोड़ दिया, कईयों का पैर तोड़ दिया। कपड़े मांग लिए, खून मांग लिया, अब वो जान भी मांगेगी तो हम वो भी करेंगे। अब विश्वविद्यालय का 12,000 जूस पिया प्राकृतिक चिकित्सालय, तो मैंने रोक लिया। रोकते पूछा कि लाइसेंस है, मैं कहा बिल्कुल साहब है। बोले कट्टा पड़े हो, मैं कहा बेग पड़े हो, मैं को लाइब्रेरी में प्रस उड़े लाइब्रेरी के अंदर, तो बोले कि और RC बोले भाभी है, मैं करना है तो यान करो। ताको नाम किए, नाम पूछा और हाथ में चालान का ऑर्डर दे दिया। राम राम, आप देख रहे हो झलको मीडिया, मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर। और अभी आप जो देख पा रहे हो कि गेट पे जो है पुलिस प्रशासन तैनात खड़ा है, क्योंकि आज अट छात्र जो संघ चुनाव है बेबहाल करवावा के लिए छात्र नेता और छात्र जो यूनिवर्सिटी का है अर्ध नग्न प्रदर्शन करने वाला है। आप देखा पहले भी प्रदर्शन कर चुका है कई बार छात्र जो है खुद कोई खून लेटर लिख रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है और कोई लाठियां खा रहा है। बी कड़ी में आज आप देखा ला कि अर्ध नग्न प्रदर्शन हो रही है और प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव बहाल करवावा के साथ ही जी 18 तारीख में जो लाठीचार्ज हुए हो छात्रा के साथ जो घसीटा गया है यूनिवर्सिटी के गेट पर भी के विरोध में भी करो जा रही हो, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी करो जा रही है और सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल करवावा के लिए भी करो जा रही है। तो मौजूद जो छात्र संघ नेता है बाहू जाड़ाला छात्रा जाड़ाला बाहू कत्तों का ही जोश है, अब आगे जो प्रशासन और सरकार के खिलाफ है करवावाड़ा है। तमाम जानकारी जो अंदर छात्र संघ का नेता बैठा है छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए जितना भी स्टूडेंट मौजूद है बाहू जाड़ाला जी तरीका उनसे लगातार सरकार को ध्यान दिलवा चाह रहे हो, छात्र संघ चुनाव बहाल करवा रहे हो और थापलाठी चार्ज भी हो रही हो, आज से अर्ध नंग प्रदर्शन कर रहा हो, पर सरकार की तरफ चुप्पी एकदम साथ रखी। इवन विधानसभा में मायने हर विधायक को मुद्दों उठा रहे बावजूद कुछ सरकार की तरफ स्पष्टीकरण नहीं दिए जा रही हो, ये चुप्पी नहीं साथ रखी, इनकी नाकामी। हमने 18 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करना चाह, हमें गेट के अंदर जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में पूरे इंडिया में वीडियो वायरल हो रही है, गेट के अंदर हम सब छात्रों को घसीट के मारा गया, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारे खून निकाल गए। हम सरकार के विरोध में अदनगन होके नंगी सरकार के खिलाफ में यहाँ बैठे हैं। और रही बात चुप्पी की, तो उनका संगठन यहाँ फ्लोप है, वो खुद की बेइज्जती से डर रहे हैं, जबकि उनको ये देखना चाहिए इतने बड़े पद पे हैं, सबका भविष्य समान, जो मजबूत होगा वो आगे जाएगा, चाहे वो संगठन हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। तो उनको सबका अपना फेवर देखने के बजाय छात्र राजनीति में जो छात्र अपना भविष्य बना रहे हैं उनकी तरफ देख के छात्र संघ चुनाव बहाल करना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से हम मैसेज दे रहे हैं, अगर वो नहीं इस पर कोई रुझान रखेंगे तो हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। मजबूत तरीके से सरकार के विरोध में जो हमें करना पड़ेगा वो करेंगे, रोड पे उतरेंगे, जो सरकार को झुकाने के लिए संभव कोशिश होगी वो हम करेंगे। खून दे दिया, कपड़ा भी दे दिया, अब सरकार और काई चावे था धन का ही लाग रही होगी और काई काई करना पड़ जाए छात्र संघ चुनाव बहाल। जैसी सरकार है जैसी उसकी नीयत है वो सब वो चीजें मांगेगी, कपड़े मांग लिए, खून मांग लिया, वो जान भी मांगेगी तो हम वो भी करेंगे। क्योंकि हम 5-5, 6-6 सालों से यहाँ नाबालिग थे, जब से यहाँ पर आके हमारा भविष्य बनाने की कोशिश करे, क्योंकि राजनीतिक पहली सीढ़ी, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है कोई पास्ट में, भाई हमारे घर पे MLA हो, मंत्री हो, कोई ऑफिसर हो या था पैसे वाले हो, तो हम यहाँ भविष्य बनाने हैं, तो हमारे भविष्य का गला घोट रहे हैं, तो हमें जो संभव कोशिश सरकार को झुकाने के लिए करी जा सकती है वो हम करेंगे। कहीं लग रही है छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं कराया जा रहा है, एक पीछे कई मंशा है सरकार की, पिछली सरकार बंद करवाई और अब सरकार उम्मीद ही कटे न कटे युवा की भाजपा सरकार आई तो शायद वापस हो पाई। पिछली सरकार का मैसेज आया सामने कि वो जो प्रशासन का माइनर पॉइंट था जो मिसगाइड करके गहलोत साहब ने एक्सेप्ट करा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई ये गलत हुआ है, और अब नई जो सरकार है इनका संगठन यहाँ पे कहीं मेजोरिटी में स्टैंड नहीं कर रहा, उपचुनाव आ रहे हैं, इनको डर रहा है कि भाई हमारी यहाँ धू धू ना हो, पर चीज से सरकार बनी है तो इनका कोई स्टैंड नहीं, विधानसभा में भी फेस नहीं कर पा रहे अपोजिशन को, ये सब चीजें नेगलेक्ट इनका रूप विरोध में आके उस चीज का इनको डर है कि कहीं ये नुकसान ना दे या नेगेटिव मैसेज ना जाए युवाओं से पूरे राजस्थान में, तो हमें वो एक स्थिति फेस करनी पड़े जी। महीना के मान छात्र संघ चुनाव या अगस्त में
होना चाहिए क्या? वो अगले महीने आ रही हो अभी बावजूद अभी तक सरकार की तरफ कुछ है एक्शन ही नहीं लिया जा रही हो, तो कई लगे कि इस साल हो पाए या नहीं हो पाए? होने चाहिए चुनाव तो सितंबर 10 से 15 तारीख तक कभी भी करवा सकते हैं, चुनाव होने चाहिए और हम मीडिया के माध्यम से उनको कहेंगे भाई चुनाव करवाए, छात्र अपनी राजनीतिक पहले भविष्य बना सके। नेता शुभम अंगसाथ में पहुँच जाना की आज एक नाटकीय तरीका उनसे ज्ञान पूर्व प्रदर्शन कर रहे हो की मुख्यमंत्री जी है उस शिक्षा मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी ने अवगत करवा कोशिश कर रहा हो कि यूनिवर्सिटी के मायने सरकार को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए चुनाव बहाल ने लेके, बावजूद सरकार की तरफ हुआ जो चुनाव बहाल कराने लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रही हो। देख लियो जब तक सरकार स्पष्टीकरण नहीं देसी, युवा उग्र आंदोलन भी करी लेकिन इस बार जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को मांगा कि थे मकनू जी चीज का पैसा लिया हो भी चीज का काम क्यों कौन करा रहे हो? छात्र संघ चुनाव के नाम पर फीस प्रत्येक स्टूडेंट का विश्वविद्यालय प्रशासन ली है, तो अगर थे फीस लियो तो चुनाव कराना पड़ी और जब तक चुनाव नहीं हुआ जब जिस साल में चुनाव नहीं है वापिस पाचा विद इंटरेस्ट स्टूडेंट ने देना पड़ी। इस बार भी अगर थे मकनू फीस लियो छात्र संघ चुनाव की तो छात्र संघ चुनाव कराना पड़ी, नहीं तो उग्र आंदोलन राजस्थान में प्रत्येक युवा कर सी। अर्धनंग प्रदर्शन कर रहा हो, खून पत्र लिख चुका हो, थे शांतिपूर्वक तरीका प्रदर्शन करके देख लियो हो, अब आगे सरकार को ध्यान थाम पर दिलाबा के लिए छात्र संघ बहाल कराबा के लिए कई कदम उठाबा वाला हो? देखो हमेशा पुलिस प्रशासन आगे आवे, वहाँ पर लाठी चार्ज करे, वहाँ का कपड़ा फाड़े तो मैं आके दियो थे परेशान मत हो, मैं वहाँ का कपड़ा दे दिया खून दे दियो और यूं ज्यादा थे कहीं कर सको, लेकिन वो आखिरी संदेश है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो नतीजो देखभाल है उसी बीजेपी सरकार ने आखिरी चेतावनी प्रत्येक युवा दे रही है। जी हाँ, आज प्रदर्शन कर रहे आप लोग, एक तो छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए, दूसरा आपको है कि जो 18 तारीख ने आपके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है बिग विरोध में है पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, तो जो लाठी चार्ज हुई हो बिग बारे में कहके बचाओ और जो आपको हाथ फ्रैक्चर हो लाठी चार्ज हुई हो? जी जी मैं थाने बता देना चाहूँ कि अब प्रदेश की सरकार नींद में है, प्रदेश की सरकार ने प्रदेश को पूरा युवा सड़क पर है और प्रदेश की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, प्रदेश की सरकार चुप्पी धारण कर पड़ी और जो दिल्ली में पर्ची आवे है वो पर्ची के इशारे पर काम करे, प्रदेश की हालात है ना वह बड़ी बदतर होती जावे, प्रदेश को युवा परेशान है, प्रदेश की महिला परेशान है, प्रदेश की जनता परेशान है, पर प्रदेश की सरकार ने भी चीज़ों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि प्रदेश को युवा लगातार छात्र चुनाव बाल कराने खातर अपनी निरंतर मांग ने मजबूती हूँ सरकार तक पहुँचाने को काम कर रही है, पर प्रदेश की सरकार बात ने सुनने ने तैयार को नहीं, बिंगो परिणाम थे देख सको लाडली 18 तारीख में प्रदेश के युवाओं के हाथे में किशोर चौधरी एक राजस्थान की सभी बड़ी मोटी यूनिवर्सिटी के गेट पर मैं शांतिपूर्ण तरीके हूँ हमारी बात ने प्रदेश तक पहुँचाने खातर प्रदर्शन कर रहा है, पर प्रदेश की सरकार के इशारे पर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठियां चलाई, बिंगो परिणाम थे देख रहे हो, मेरे हाथ तोड़ दियो, मेरे कई साथियों के लट मारा, कईयों का सिर फोड़ दिया, कईयों का पैर तोड़ दिया, कईयों की आंखियां फोड़ दी, पर प्रदेश की सरकार और प्रदेश की पुलिस मिली जुली है, माने कोई भी कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा, प्रदेश की युवाओं की मांग ने कहीं भी तरीके हूँ प्रदेश की सरकार के सरकार युवाओं की मांग सुनने ने तैयार को नहीं, मैं प्रदेश की सरकार ने आप बता देना चाहूँ 18 तारीख ने पुलिस के नाम हमारा कपड़ा फड़वाया तो थे हमारा कपड़ा फड़वाया, तो आज भी इस संदर्भ में आज मैं प्रदेश के युवाओं के हाथे राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हमारा कपड़ा खोल पर थाने बता देना चाहूँ कि थे हमारा मत लग चलाओगा और मारो खून निकालोगा तो मैं थाने खून पत्र लिखांगा, थे हमारे प्रदेश की सरकार यदि प्रदेश की पुलिस हमारा कपड़ा फड़वाओगी तो मैं शांतिपूर्ण तरीके हमारा कपड़ा खोल पर और प्रदेश के विश्वविद्यालय के गेट पर बैठ जाऊंगा, पर मैं रुका को नहीं, मैं थका को नहीं, मैं कोई भी हाल में डटा को नहीं, मैं मारी मांग ने जकी तरीके प्रदेश की सरकार पुलिस ने आगे कर पड़ी हमारे सके बस सलूकी करी तरीके हूँ, मैं मारी मांग ने बड़ी मजबूती हूँ प्रदेश की सरकार तक पहुंचाने को काम करा, मैं कोई भी हाल में प्रदेश को युवा सड़क पर रही संघर्ष रही पर रुके को नहीं और थके को नहीं और कोई भी हाल में प्रदेश की सरकार ने भले दिल्ली पर्ची ला के छात्र चुनाव करवाना पड़े पर प्रदेश की सरकार ने एक दिन एडो आई भी दिन प्रदेश की सरकार ने चुनाव करवाना पड़ी, आ मैं छाती ठोकर कह सका आ मैं हमारा टांगड़ा में जोर है जितने मैं लड़ा कि हमारा हाथ तोड़ दो कि हमारा पैर तोड़ दो, प्रदेश की सरकार प्रदेश के युवाओं को हौसलों नहीं तोड़ सके, और किशोर चौधरी प्रदेश की सरकार ने बड़ी बुलंद आवाज हूँ बड़ी मजबूती हूँ बता देना चाहे कि थे कोई भी हाल के अंदर आ युवाओं ने रोक पहुँच सको चाचंग चुनाव थाने बाल करवाना पड़ी वो मारो हक है वो मारो अधिकार है और प्रदेश की सरकार वो मारो
अधिकार कोई बिहार के अंदर ले रहा मैं रुका को नहीं और प्रदेश की सरकार की ईंट ईंट बजा दिया पुलिस ने आगे करी तो पुलिस की लाठी बजा दिया पर प्रदेश के अंदर चुनाव की बाली मैं करवा कर मानांगा ये प्रदेश की सरकार ने मैं कहना देना चाहूँ कि आप कान खोल कर सुन लो मैं मथे मारी बात सुन लो यदि प्रदेश की सरकार यदि प्रदेश में चाचंग चुनाव बाल नहीं करवावे कह तो मैं प्रदेश की यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ पर हमारी मांग थाल तक पहुँचाना वो काम करा पर यदि प्रदेश के अंदर चाचंग चुनाव बाल नहीं करे तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भले ही आवास घेरना पड़े भले ही प्रदेश की विधानसभा घेरनी पड़े तो भी प्रदेश ये प्रदेश को युवा घेरने के लिए तैयार है। पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो पर थोड़ा सा जो है तो प्रदर्शन है बढ़ाया अभी बाद में फूल पत्र लेके अब कपड़ा तक दे दिया आग लो जो छात्र संघ नेता है छात्र बाबू इसलिए आग लो गए बाबड़ो अगर आग आज का ये प्रदर्शन की सुनवाई नहीं हुए तो जी देखिए थाने भी ध्यान है और प्रदेश के सब लोग ध्यान है वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार हूँ जबकि अलग जगह बालक पूरे प्रदेश के अंदर प्रज्वलित हो पर जड़े ठीक है और मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कियो तो मारे ऊपर लाठियाँ चलाई मैं मारो खून भायो तो मैं कल परसों खून पत्र लिख दियो भाई मारा परसों का 18 तारीख ने कपड़ा फाड़िया तो मैं आज कपड़ा खोल बैठ गया अब अगली बिंग है बावजूद भी प्रदेश की सरकार नहीं मानी तो माने चाहे विधानसभा घेरनी पड़े चाहे माने मुख्यमंत्री को आवास घेरना पड़े चाहे माने कोई भी हद तक जाना पड़े और प्रदेश को युवा कोई भी हद तक जानने तैयार है और ये प्रदेश की सरकार ने झुकाव ने कोई भी हाल के अंदर और कोई भी बात खातर संघर्ष करना पड़े तो प्रदेश को युवा तैयार है। आप जिलावार बात करें तो जिलावार की जो छात्र शक्ति है पावी थंग साथ में है थंग प्रदेश की पूरी छात्र शक्ति हमारे हाथ है प्रदेश को पूरा छात्र प्रतिनिधिमंडल हमारे हाथ है माने बड़ी मजबूती दे रहा है विधानसभा स्तर पर ज्ञापन दे रहा है जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहा है वे सरकार पर संघर्ष कर रहा है गांव हूँ ढाणी हूँ और प्रदेश की सड़क तक प्रदेश को युवा चाचंग चुनाव बाल कराने खातर संघर्ष कर रहे हो पर आप सरकार गुंगी होगी आ सरकार बैरी होगी मन सरकार ने आप हमारी बात पहुँचाने खातर माने कोई भी हद तक जानो पड़े तो मैं जानने तैयार हाँ मैं कई कई ऐसे काम कर जगह हूँ प्रदेश की सरकार तक मैसेज भी पहुँचो मैं प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि मंडलों बातचीत करने की भी कोशिश करी पर प्रदेश की सरकार को कोई प्रतिनिधि मंडल मारे बात को नहीं करी भी सरकार ने मैं कह देना चाहवा कि थाने झुकनो पड़ी एक दिन एड़ो आई बिन दिन थारी थाने मारी मांग माननी पड़ी और किशोर चौधरी छाती ठोक के कहवे कहते मेरे हाथ तोड़ सको मेरे युवा मेरे साथी युवाओं का थे पैर तोड़ सको पर प्रदेश के युवाओं का थे हौसला कभी नहीं तोड़ सको ते प्रदेश के युवाओं ने बरखलाना बंद कर दो अंग साथ आँख में चोली खेलनी बंद कर दो प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करो नहीं तो न्याय नहीं करोगा तो आगे आने वाले टाइम में उपचुनाव है उपचुनाव के अंदर थाने भी चीज़ को नतीजो देखने ने मिलेगा प्रदेश को युवा थारे खिलाफ मोर्चो खोल चुके है थाने यदि सुननी है तो प्रदेश के युवाओं की बात सुनो आज के टाइम के अंदर और आज के समय की बात करें तो प्रदेश के अंदर सबू ज्यादा कोई मुद्दों है जो को अलग जगह रखी है जो को प्रखर रूप प्रदेश के अंदर ज्वलित है वो है चाचंग चुनाव और चाचंग चुनाव खातर सरकार कोई भी बयान नहीं दे रही है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया मान नहीं दे रही है सरकार मुझे परेशान है सरकार मुझे पीड़ित है मारा हाथ दर्द पैर दर्द कर रहा है मारा हौसला नहीं तोड़ सका मैं लड़ा ला और एक दिन एडो आवेला मैं थारे माध्यम बता देना चाहूँ कि मैं जीता ला कई लाग रही जिस दिन प्रदर्शन हो रही है लंबो छोड़ो चालान काटे जा रही है पहले 1,000 को अब 7,000 को तो कई प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन पर देखा कि लगातार लाठी चार्ज भी कर रही है जो स्टूडेंट मौजूद है भी कई खुंदस दूसरा स्टूडेंट पर जो भी बाहर जा रही है बाहर निकाली जा रही है देखो मैं आपने बताबो चाहूँ संगठन में शक्ति व्या करे और पुलिस प्रशासन को मन आज ठा पड़ी है कि पहलो देई ओ है कि अटल लोग इकट्ठा को होनी चाहिए छात्र इकट्ठा को होनी चाहिए माँ को राजनीति संगठन कोई सरोकार को है ना मैं एबीवीपी का सदस्य ना एनएसयूआई का ना निर्दलीय ना एसएफआई का माँ को काम पढ़वा को है मैं सिविल की तैयारी करा अटा पढ़ना आवा आज सोमवार हो हिंदू धर्म आस्था रखा ये ठा में व्रत कर रेडो हा व्रत का खातिर मैं जूस पीना गया बाहर है जूस डोली पे बजावा हेलमेट को तो अटा आदत पड़ी कद लगाया को नहीं या तो फिर नियम हो तो डेली को तो मैं डेली लगाता जान अटो में बिड़ला मंदिर तो हेलमेट लगा जावा गांधी सर्कल जावा तो हेलमेट लगा जावा अब विश्वविद्यालय का 12,000 जूस पिया प्राकृतिक चिकित्सालय तो मैंने रोक लिया रोकते पूछा कि लाइसेंस है मैं कहा बिल्कुल साहब है बोले कटे पड़े हो मैं कहा बेग पड़े हो मैं को लाइब्रेरी में प्रेस उड़े हो लाइब्रेरी के अंदर तो बोले कि और आरसी बोले भाभी है मैं कहा करने तो यान करो
ताको नाम किए, नाम पूछा और हाथ में चालान का ऑर्डर दे दिया। एक बार भाई कही देता, एक बात तो नितिन गडकरी जी के मोदी जी के डिजिटल इंडिया है, ते हर चीज डिजिटल आको डिजी लॉकर चलाए, बीमा आधार कार्ड रखा है, पैन कार्ड रखा है डिजी लॉकर में, और एक तरफ ए मोबाइल में लाइसेंस देखो पसंद को नहीं करे। एक बार मौको देता साहब, ते पूछता तो सही कि ते मोबाइल में लाइसेंस दिखा दो, आरसी दिखा दो, ते सीधे तुगलकी फरमान की जिया 7.5 हज़ार को चालान काट दे दिया। तो कटा ना कटा लागा कि केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार को प्रशासन ही कौन मान रहे हो, आम आदमी की तो बोली हालत खराब है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि मन लागा कि जयपुर में सबू ज्यादा कोई अगर जागरूक है तो राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र है, अटा को एक एक छात्र है, भी छात्र का 7.5 हज़ार का चालान कटे है, तो भी की आम जो स्टूडेंट है या आम जो बाहर को आदमी है जो पढ़े लिखे को नहीं जी की इनकम को नहीं, भी को कहीं हालत हुई ओ भाई मेरे साथ पड़े लेकिन हकीकत में पापा मजदूरी करे, 400 रुपया डेली का मिले, भी सब 12 हज़ार हुआ, भी मैं भी कई दिन मजदूरी मिले, कई दिन कुन मिले, कई दिन गोडा दुखे, कई दिन कमर दुखे, 12 हज़ार कमा बड़ो आदमी केड़ी दिन मोटरसाइकिल लगा भाई आबा जाबा में छोरो सोरो रहे कोचिंग जाए तो इस जगह पापा मोटरसाइकिल दिला दी, बिका 7.5 हज़ार को चालान काट दिया। अब बिका पापा महीने का भेजे ना 4 हज़ार 4.5 हज़ार हॉस्टल में रहे टाबर, अब मैं आप बताओ कि 7.5 हज़ार को चालान क्या कटे, कि 2 महीना टाबर पढ़ बोली वो छोड़ दे, 2 महीना रोटी खा वो छोड़ दे, 2 महीना बंद रह जाए किताबा छोड़ दे, क्या करे। तो साहब 7.5 हज़ार का चालान कुन भरे जाए ते मार दो, आ सीधी सीधी आम छात्र ने कहो पुलिस प्रशासन को कि ते मर जाओ तो मैंने कोई मतलब को ना, ते पढ़ाई छोड़ दो। छात्र संघ चुनाव का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, शुरू खिलाफ हूँ, मैं कहते आप मांग भी कौन करी छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि मन आता दिन आठ आओ और आ लागो कि अगर छात्र संघ चुनाव होएला तो छात्र नेता गाड़ी दौड़ा वाला, फालतू ही खुद की धन बल प्रयोग करेला, फालतू एटा दंगा वाला, मैं पढ़ बड़ा छात्र आगे यूँ मतलब कोई मतलब कौन है। लेकिन आज मैंने हकीकत में पतो पड़ी है, मैं कोई विश्वविद्यालय में बिना छात्र नेता का कोई धनी दोरी को नहीं, कोई आओ कोई ठोक दो। अभी परसों के 18 तारीख में प्रदर्शन हो, मैं को वाई वाओ अंदर आवा, पुलिस वाला मैंने गाड़ देर बात करे, बात तो गाड़ी निकाल बोले भाग जाओ डंडे मारेंगे, क्यों डंडा मारेगा साहब, अटर मैं पढ़वा के लिए फीस भरे दिया, मैं को लो कॉलेज फर्स्ट ईयर को वाई वो, मैं वाइवा देना आया और तुम वहाँ लट्ट मारो धक्का दो, कहते साहब था यूनिवर्सिटी तोड़ी है, मैं पढ़वा रहा क्या, माओ छात्र नेता को कहीं जरूरत है, तो ज्यादा था ना लगा कि बाहर का स्टूडेंट आई डी कार्ड चेक करो, मैं कॉलेज में पहुंच लो, अरे एक दिन पहले लाइब्रेरी में आ तो मैंने धक्का देर बाहर काटे, जबकि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर के विश्वविद्यालय की हालत है कि संविधान स्तंभ बने 3 करोड़ को इमा प्रियंबल तक हम ढंगू कौन लिखी की या का मूल अधिकार ढंगू कौन लिखे गया, आ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर की हालत है। छात्र संघ चुनाव माना हकीकत में लगा का जरूरी है, आ छात्र संघ नेता होता मां का तो ओ मुद्दा उठाता, ए मुद्दा उठाता, माना चालान काट में बचाता, मां की लाइब्रेरी की हालत खराब हो रही है, सेंट्रल लाइब्रेरी की एमेड करके झाड़ू पोछा को टाइम पर बे मुद्दा उठाता। मैंने आज सच में फील हो रही है, दिल में फील हो रही है कि छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए, मुख्यमंत्री छात्र संघ चुनाव कराओ, नहीं तो मां कोई विश्वविद्यालय में कोई धनी दोरी कौन है, मैं विश्वविद्यालय में खुद ना अनाथ फील करा, मैं प्रोफेसर सीधा मुँह बात कौन करे, मैं कहता कोई सुनबाड़ो कौन है, और तो और ये तो बात जद अजद राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लिया, पुलिस में प्रवेश करवा के पहले आप पुलिस बैठी है, मैं कहता द्वारपाल मंडल लट दे माता के अंदर घुसता ही, बाहर निकल जाओ अंदर कौन आ सको, अंदर आ जाओ तो बाहर कौन जा सको, कहाँ थी साहब, मैं कोई विश्वविद्यालय मैं कौन आ सका कि विश्वविद्यालय में एक भी कैंटीन नहीं है, हम खाना खाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है हमें, और बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, हम बताओ खाना खाने के लिए भी कहाँ जाएंगे। ये आप देख पा रहे हो कि पुलिस प्रशासन जो कि बाहर तैनात है, जो छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए अंदर प्रदर्शन चल रही है, बीवजों कई सारा लोग है, कई सारे स्टूडेंट है जो रेगुलर बैंक निशाना पर आ रहे हैं और रेगुलर बैंक का जो है चालान वगैरह कट रहा है, ये वजह जो पहले खिलाफ आगे छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए, व विद्यार्थियों ने भी आज लाग रही कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और आंखों भी नेता होना चाहिए जो आगे आवाज़ उठा सके। आपको पूरा मामला पर कई कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, जो साथ ही वीडियो ज़्यादा लाइक करो शेयर करो और बढ़ाए रखो जलकों पर आप प्यार और विश्वास, यूँ ही खमा गणी सर राम राम।